तो पहला एक्सपीरियंस है जम्मू में आने का और ऐसा टूर्नामेंट खेल रहा हूँ मैं, नेशनल चैंपियनशिप जैसा बड़ा टूर्नामेंट, तो एक अनोखा एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जिस तरह के अरेंजमेंट्स और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है ऑर्गेनाइजर्स के तरफ से काफ़ी अच्छी है और रिकॉर्ड नंबर्स में एंट्रीज है, इतने पार्टिसिपेंट्स है, अलग अलग स्टेट्स आए हुए हैं, तो काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा यहाँ पे खेलना और होप करता हूँ कि अच्छा रहे ये नेशनल चैंपियनशिप और लकी भी रहे। यहाँ पे जो है आज हमारे नेशनल हो रहे हैं, सीनियर नेशनल हो रहे हैं और ये काफ़ी टाइम के बाद हो रहे हैं। ये सबसे पहले मेरे ख्याल से 1995 में हुए थे या 1997 में हुए थे और आज फिर से होस्ट कर रही है जम्मू 2023 में सीनियर नेशनल हो रहे हैं। यहाँ से हर डिफरेंट स्टेट से बंदे आते हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर्स वो सब आते हैं। 27 साल बाद शुरू हुई टेबल टेनिस टूर्नामेंट 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक चलेगी और करीबन 500 प्लेयर्स अलग अलग जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर अपना दमखम दिखाएंगे और साफ तौर पर कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स, जिसमें कॉमनवेल्थ प्लेयर्स, इसके अलावा ओलंपिक मेडलिस्ट भी यहाँ पर जो है वो पहुँच रहे हैं, जिनमें कि साफ तौर पर यही एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और उनके लिए क्या क्या नए आयाम जो है जम्मू कश्मीर सेट करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। एडवोकेटिंग के लिए जम्मू से।